तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम भी। तो लिख लीजिए इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन, इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम भी, इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम, किसमें दे रहा है ये रोटेशनल सिस्टम में अमाउंट ऑफ मोशन देगा भाई, कर लोगे? आगे लिखिए इसी में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम भी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम, किसकी गुणा भाई एल, रेडियस की और लीनियर मोमेंटम की भी। आपको याद है ना हमने हरेक के साथ रिलेशन किया हुआ है, एंगुलर का रिलेशन भी दे लीनियर, वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन के साथ, यस या नो? उसी तरह से ये भी है भाई, क्या आएगा एल इज इक्वल टू आर इन टू पी, वैक्टर फॉर्म में लिखे तो वैक्टर क्वान्टिटी है, आर क्रॉस पी लिखा जाता है भाई, आर क्रॉस पी। अगर ढंग से देखें ना, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं ना भाई, तो अगर आप देखो एल को, इसको कह सकता हूँ एम वी आर, केमिस्ट्री में कई जगह यूज किया जाता है ये फार्मूला भी, एम वी आर भी, ये क्या किसको दिखाता है एंगुलर मोमेंटम को भी, आर ये रहा मास, पी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिट क्या होंगी इसकी भी, यूनिट ऑफ एल देखिए एम वी आर सब कुछ है, आर की क्या होती है मीटर, इसकी क्या होंगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी, यस सर नो? पूरे लिख देते हैं, इसका क्या होगा किलोग्राम केजी, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होगी मीटर भी, यस सर नो? तो कैसे लिखोगे इसकी यूनिट को आप लोग, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड भी, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, यस सर नो? डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, डायमेंशन फार्मूला, मास का क्या होगा m1, वेलोसिटी का l1, t माइनस वन, रेडियस का l1, डिस्टेंस है, यस और नो? तो कितना होगा भाई m1 l2 t माइनस वन भाई, m1 l2 t माइनस वन, क्योंकि p की डायरेक्शन होती है, इसकी भी डायरेक्शन होगी भाई, तो लिख लीजिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कर लोगे? बस इतना ही है, ये था सिंपल इंट्रोडक्शन व्हाट इज मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स भी, कार्टिजन कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई भी, ठीक है? हम लोगों ने पूरा टॉपिक कर चुके हैं टोरक का, इस टर्म में हम लोग भी कर लिया, अब टोरक को यूज़ कर लेते हैं, लिख लीजिए टॉर्क इज, टॉर्क क्या होता है भाई, टाउ इज इक्वल टू, याद है इट इज एफ वाई एक्स था, यही था ना, एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई, ऐसा ही था क्या, चेक कर लो एक बार, गलत नहीं किया, यही है, कर लोगे? और मोमेंटम क्या होता है भाई, सिंपल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, अगर आपको याद हो ग्राफ याद है ना, देख पार्टिकल को मास एम था, उस पर फोर्स एफ लगाया गया था अभी, और पार्टिकल घूम के कहाँ पहुँच गया था, बी पॉइंट पहुँच गया था, सर उससे निकला था आंसर सी, ठीक है? व्हाट इज अ सिंपल मोमेंटम भी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में सिंपल मोमेंटम भी आएगा, एल क्या होता है आर इंटू पी होता है अभी, तो पी भी आना चाहिए उसके अंदर, तो पी एक्स कितना होगा अभी, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी कितना होगा, मास इंटू वी एक्स भी, मास इंटू वेलोसिटी, एक दो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई मास इंटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई मास इंटू वेलोसिटीज, ठीक है? ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस इक्वेशन में फोर्स है भाई,
और फोर्स को हम चेंज करेंगे तो आंसर आएगा डीपी बाई डीटी भी। ये एक्स के अकॉर्डिंग है, कोई वाई के अकॉर्डिंग है, तो एक्स के अकॉर्डिंग डीपी एक्स बाई डीटी, वाई के अकॉर्डिंग डीपी वाई बाई डीटी, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई, क्या लिखेंगे, डीपी वाई बाई डीटी, सही है कि नहीं है? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, डीपी एक्स बाई डीटी, सही लिखा मैंने? बताओ। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है पी एक्स की वैल्यू और पी वाई की वैल्यू क्या है, ये रहा, तो पुटिंग द वैल्यूज, एफ वाई किसके बराबर होगा भाई, पी वाई कितना है, एम वी वाई, एम तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालो डेरिवेटिव से, एम क्या आएगा, डी वी वाई बाई डी टी, क्या मैंने सही लिखा है? पी वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने एम वी वाई भी, यहाँ पे एम वी वाई, एम बार निकाल लिया, डी वी वाई बाई डी टी, सही लिखा है कि नहीं लिखा? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स भी, एम डी वी एक्स बाई डी टी, क्या सही लिखा ये बात? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो भी, ऊपर वाली को, हो गया, इतना हो गया भाई। पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन भाई, पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो भाई वैल्यूज को, रब कर दे, एम डी वी वाई बाई डी टी इंटू एक्स वी माइनस एम डी वी एक्स बाई डी टी इंटू वाई, यस और नो? सही है, इससे एम कॉमन आ रहा है दोनों इक्वेशन से, इन पॉइंटों से, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ डी टी आएगा अभी, यहाँ पे इट इज डी टी, सही है। तो टाउ इज इक्वल टू एम कॉमन निकाल लिया, कितना बना, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ये बात समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, सही है कि नहीं है? अब ये इक्वेशन नहीं है, ये बताएंगे किसी चीज़ का आंसर, अभी किसी इक्वेशन का आंसर है, वो कौन चीज़ है बताएंगे अभी आपको, हो गया, ये रब कर दें इसको इतना, ठीक है। अब ये टॉपिक यहाँ पे हो गया, पॉइंट भी एक पॉइंट बना लिया हम लोगों ने कि सेकंड पॉइंट इक्वेशन यहाँ तक होगी भी। अब ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आंसर है ना सेकेंड इक्वेशन, ये किसी का आंसर है अभी, किसी पॉइंट का भी, वो कौन है अभी, रब कर दें भी इसको क्वेश्चन को यहाँ पे। देखिए आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का भी डेरिवेटिव करना होता है, यस और नो? करो, कहाँ पे, हाँ सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डेरिवेटिव करना है इस इक्वेशन का भी। देखो टॉपिक भूल जाओ, टॉपिक क्या कर रहे थे हम लोग, टॉपिक में भी अभी नया पॉइंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, ये क्या है, यू माइनस वी का फॉर्मूला, अभी डेरिवेटिव यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी कर लो, इंडिविजुअल कर लेते हैं, डी वाई डी टी किसका भाई, एक्स वी वाई माइनस डी वाई डी टी वाई वी एक्स वी, सही लिखा है, यस और नो? क्या इसका कर सकते डेरिवेटिव, ये u इंटू वी है, क्या होता है u इंटू वी है, भी इनका करो, क्या याद है फार्मूला, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यस और नो? करो डेरिवेटिव इसका भाई, u v का, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v y प्लस v y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, सही लिखा है? ये फार्मूला होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ये पूरा हो गया। माइनस ले लें इसका, करो भाई y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी वाई सॉरी वी एक्स माइनस प्लस वी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, सही लिखा मैंने? ब्रैकेट आएगी अभी, यहाँ तक समझ में आ रहा भाई?
एनी प्रॉब्लम क्लास? देखो टॉपिक से हट गए हम लोग, टॉपिक में कुछ नहीं कर रहे, टॉपिक अब हम एक पॉइंट है इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, कर लोगे? अब देखो भाई, एक्स डी वी बाई डी टी प्लस वी वाई डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया गया है तो वेलोसिटी होगी, किसके अकॉर्डिंग? एक्स के अकॉर्डिंग, यस और नो? तो इसको लिख सकता हूँ एक्स वी एक्स डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई इंटू वी एक्स वी, वेलोसिटी ऑफ एक्स वी, वेलोसिटी एक्स के अकॉर्डिंग है, एक्स की यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक्स के अकॉर्डिंग आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस अंदर ले जाऊं, वाई डी वी एक्स बाई डी टी माइनस वी, ये भी माइनस हो जाएगा, अंदर ले गए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस वी, वी एक्स है भाई क्लास, डी वाई बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या आएगी? वाई के अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या आएगा? वी वाई। सही है कि नहीं है? ये कैंसिल हो गए, देखो हुए कि नहीं हुए, कितना आंसर आया? एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, सही लिखा मैंने? बता दो। अब आपका इक्वेशन सेकंड चेक करो भाई, इक्वेशन सेकंड में ये है भाई, यस सर नो? देख लो, मतलब बोल सकता हूँ ये जो आंसर है किसका आंसर? इसका आंसर है भाई, इसको सोल्व किया तो ये आंसर आया होगा, तो उसकी जगह ये ले सकता हूँ डायरेक्ट में भाई। देखिए, पुटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड भी, पुटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड, ये जो लिखा हुआ ना एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स वाई डी टी, ये किसी का आंसर है भाई? वो आंसर किसका है? टाओ इज इक्वल टू एम डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई? एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का आंसर था ये, इसको सोल्व किया था हम लोगों ने तो ये आंसर निकला था। कर लोगे? मास कांस्टेंट है, अंदर ले जाऊं, कर लोगे? डेरिवेटिव के अंदर से जा सकता है, बाहर भी निकाल सकते हैं इसको, तो कितना आएगा टॉर्क की वैल्यू भी? टाओ इज इक्वल टू डी वाई डी टी कितना? एम वी वाई एक्स माइनस एम वी एक्स वाई, क्या मैंने सही लिखा है? मास को अंदर ले गया अभी, सही लिखा है कि नहीं लिखा? अब ये देखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, अभी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, यस सर नो? तो कैसे लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू भी डी वाई डी टी, कौन सा मोमेंटम है भाई? लिनियर है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? वाई के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखें इसको? पी वाई इंटू एक्स माइनस ये वाला पी एक्स वाई, क्या सही लिखा मैंने? कर लोगे? अब देखिए, इस चीज को, इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने कुछ मान लिया अभी, कितना मान लिया? टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी भी, डी एल बाई डी टी, वेयर एल इज, एल का वैल्यू किसको माना मैंने? पी वाई एक्स माइनस पी एक्स वाई, ओके समझ में आ रहा है? एल क्या भाई? ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखवाई थी लास्ट टाइम भी, मैंने लिखवा था इट इज प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लिनियर मोमेंटम भी, यस और नो? देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज लिनियर मोमेंटम, इट इज डिस्टेंस भी, ये दूसरा टॉर्क लिखा गया था ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम भाई? लिनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, क्योंकि घूम रहा है ना, रेडियस पे लगाएंगे तो घूमेगा ना आंसर्स भी, कितना डिग्री पे लगाएं? 90 डिग्री पे लगाना पड़ेगा आंसर्स मेरे को उसको, कर लोगे? तो क्या है ये, किसकी गुणा है? लिनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम वाई के अकॉर्डिंग है और गुणा किसके साथ किया गया है? एक्स के साथ, तो कितने एंगल इनके बीच में?
90 का है भी। कर लोगे सेम यहाँ पे मोमेंटम एक्स वाला यूज कर रहे हैं और गुणा किससे किया गया है वाई से भी। तो दिस इज गिव द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी और यहाँ पे सॉरी एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकल रहा है भी कितना पी वाई एक्स माइनस पी एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई भी। इट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी। समझ में आया कि नहीं आया भी? कर पाओगे? अभी क्या करने हैं इसके पोलर करने हैं, वैल्यू निकाल ली मेरे को पी एक्स का वैल्यू कितना है, पी वाई का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है। यस और नो? राइट कर लिया भाई। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी। अगर आपको याद हो जब मैंने टॉर्क निकाला था इसी टर्म में निकाला था टॉर्क भी, टॉर्क की पहली वैल्यू निकाली गई थी एक्स और वाई की टर्म में, फिर टॉर्क को प्रूव किया गया था इन टर्म ऑफ वैल्यूज भी, इन टर्म ऑफ एंगल्स भी। याद है कि नहीं है? उसके लिए हम डायग्राम बना था। कुछ याद है कि हमारे पास एक बॉडी थी इसका मास एम था भाई, ये यहाँ तक डिस्टेंस कितना था उसका, इट इज पोजिशन वैक्टर आर लिखा था इसको मैंने। यस और नो? तो उस पर मैंने फोर्स लगा था याद है, और बॉडी घूम के कहाँ चली गई थी, बी पॉइंट पर चली गई थी। अब फोर्स नहीं निकालना, लगाना क्या लगाना है, लीनियर मोमेंटम निकालना है। फोर्स क्या होगा? फोर्स है तो क्या होगा, मोमेंटम होगा कि नहीं होगा भाई? पता है फोर्स क्या होता है? डी पी बाई डी टी होता है भाई, डी पी बाई डी टी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। पहले मैंने फोर्स लगा था एफ, डायरेक्शन ऑफ पी कहाँ पर होगी, उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या है आपकी बार, ये पी है। याद है कि नहीं है? देखो अभी ये एंगल कितना था भाई, ये थीटा था, इट इज थीटा। हमने इसको आगे बढ़ा था याद हो तो, और ये एंगल कितना था, अल्फा था। एफ में किया था काम, अभी पी में कर रहा हूँ सेम काम भी। इस लाइन को आगे बढ़ाइए ठीक है, और यहाँ से क्या ड्रा कर दो एक परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना था, 90 डिग्रीज हो जाएगा। ये एंगल कितना था भाई, 5 लिया था हम लोगों ने इसको, याद है कि नहीं है, इट इज़ 5। डायग्राम बनाओ, ये पॉइंट ओ था, ये ए पॉइंट था, इसको क्या लिया था हम लोगों ने, कुछ भी मान लो सी, ये कौन सा था डी। डायग्राम सेम डायग्राम है, सेम टॉपिक अभी, बस अब की बार क्या है पी है, उस टाइम क्या था फोर्स था अभी। हो गया, समझ में आ रहा अभी? हो गया। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, जहाँ पे टॉपिक को एंड किया था उस वहाँ से शुरुआत करनी है। लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम इज कितना था भाई, एंगुलर मोमेंटम इज एल इज इक्वल टू पी वाई एक्स माइनस पी एक्स वाई भी, यही था। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को एंड किया था अभी, अभी इसकी वैल्यू निकाल ली मेरे को भी। अब याद देखिए पी एक्स क्या था अभी, ये वैल्यू पी की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी थी मैंने, वहाँ पे याद होता एफ एक्स और एफ वाई भी। तो यह क्या होगा पी एक्स, यहाँ पे क्या होगा पी वाई, वैल्यू निकालनी है अभी। क्या p को रिजोल्व करें x के अकॉर्डिंग कितना आएगा px की वैल्यू भी, इट इज p cos alpha भी। p को रिजोल्व करो, ये पूरा p है भाई पूरी लाइन, यहाँ पे कितना आएगा cos आएगा p cos, और यहाँ पे क्या आएगा p sin। तो py के अकॉर्डिंग कौन सा p sin, x के अकॉर्डिंग कौन सा है p cos भी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इसी तरीके से py कितना होगा भाई, ये p साइन एल्फा भी। समझ में आ रहा है, वैल्यू तो आ गई भी p x की और p y की भी। अब x और y की भी निकालनी होती है। ये रेडियस ये r है भी, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा एंगल पे है, इसको x में करूँ x वैल्यू कितनी होगी r cos थीटा, और इस तरफ कौन सा होगा r साइन थीटा। यस आर नो? x की वैल्यू कितनी भाई r cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी
आर साइन थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर को रिजोल्व कर लिया गया, अकेला आर देखा है उसके अगर मैं बना था अकेला आर भी ऐसे, ये आर है भी, ये एक्स के अकॉर्डिंग एक्स वैल्यू कितना देगा, इट इज़ आर कोस थीटा भी, और वाई के अकॉर्डिंग आर साइन थीटा भी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग इन द अबो इक्वेशंस भी, पुटिंग इन द अबो इक्वेशन, तो एल इज इक्वल टू पी वाई कितना अभी क्लस पी साइन एल्फा, एक्स कितना है आर कोस थीटा भी, यही है ना, माइनस पी वाई, एक्स कितना अभी पी एक्स कितना है पी कोस एल्फा, और पी वाई कितना है आर साइन थीटा भी, यस और नो? इस पूरी इक्वेशन से पी और आर कॉमन आ रहा है अभी, सही लिखा है, एल इज इक्वल टू पी आर को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा साइन एल्फा कोस थीटा माइनस कोस एल्फा साइन थीटा भी, क्या यही है? चेक करो भी सही है कि नहीं है, क्लास बता दो, निकाल लिया हो गया भाई, ये किसी का फार्मूला बन रहा है भाई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू किसके साइन ए माइनस बी, यस और नो? तो किसका फार्मूला है भाई, एल इज इक्वल टू पी आर साइन एल्फा माइनस थीटा भाई, साइन एल्फा माइनस थीटा, एनी प्रॉब्लम भाई? इन द ट्रायंगल ओ ए सी, दिखाई दे रही है ट्रायंगल्स भी, इन द ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल में चेक करो आउटर एंगल कौन सा है अभी, एल्फा इज द आउटर एंगल्स, और आपको याद होना चाहिए आउटर एंगल हमेशा सम ऑफ द इनर एंगल होता है अभी, जिसके अपोजिट में होते हैं थीटा प्लस फाइव, यस और नो? और मेरे को अगर मैं लिखूं एल्फा माइनस थीटा को क्या लिखाएगा, फाइव के बराबर होगा ये, तो पुटिंग द वैल्यूज भी, तो एल की वैल्यू कितनी हुई पी आर साइन फाइव, पी आर साइन फाइव, या वैक्टर फॉर्म में लिखें तो आर क्रॉस पी भी, आर क्रॉस पी, कर लोगे भी? जो आपको डेफिनेशन लिखवाई गई थी एंगुलर मोमेंटम की वो थी कि इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम, आंसर हो गया मेरा भी, कर लोगे? समझ में आ रहा है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम भी। मैंने आपको ये बोला था इस मिनट में हर टॉपिक किया जाएगा जो आपने पहले कर लिया है, बट किस टर्म में, इंटरम रोटेशनल सिस्टम भी, मोमेंटम एंड टॉर्क, आपको रिलेशन करना है एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क के बीच का भी, ठीक है? अभी हमने टॉर्क निकाला था भी, इट इज डीएल बाई डी टी भी, चेक कर लो, मैंने किसी को एल माना था भी, तो टॉर्क का वैल्यू आया था डी एल बाई डी टी, एल क्या था, तो एल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल इज, लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम इज कितना है भाई, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है भाई, एल इज इक्वल टू अभी लिखा था आर क्रॉस पी वी, यस आर नो? आर क्रॉस पी, सही है, इतना हो गया, लिखिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो भी, ओके कैसे करोगे, डी एल बाई डी टी ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू किसके भाई, डी बाई डी टी किसके, आर क्रॉस पी, कैसे लिखा है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव करना आपको गुणा का भाई, करना आता है यू इन टू वी, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, यस और नो? तो कैसे लिखोगे, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू किसके भाई, आर एज इट इज, देखो क्लास क्रॉस आया हुआ भाई, आगे बस मत करना, माइनस आना जाएगा आगे बस करते ही, अगर अपने इसको पी क्रॉस आर लिख दे तो माइनस आएगा उसी टाइम भी, तो जो पहले हो पहले लिखो, जो बाद में हो बाद में लिखोगे, कर लोगे, तो आर एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ पी, सही लिखा है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ आर पी एज इट इज,
मैंने एज इट इज लिखे हैं, ऐसा नहीं क्या पी पहले लिख दिया फिर डी आर वाई डी टी लिख दिया, जो पहले उसका पहले बाद में उसका बाद में भी कर लोगे। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर क्या होता है, आर तो रेडियस होता है, अभी रेडियस क्या है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, यस और नो? अगर आप किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करोगे आंसर जीरो आएगा, अभी जीरो इंटू पी ये जीरो हो गया अभी, तो आप लिख दो साइड में यहाँ पे डी आर बाई डी टी कितना है जीरो है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करोगे आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, रेडियस कांस्टेंट है भाई, यस और नो? ये तो जीरो हो गया, बच गया कौन, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू किसके भाई, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी यही बचा ना, ओके व्हाट इज डी एल बाई डी टी, ये टॉर्क है अभी, yes, अभी कुछ देर पहले यही किया था हम लोगों ने कि डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क माना था मैंने, ठीक है, yes, तो लिखो टॉर्क इज इक्वल टू, तो वेक्टर में लिख रहे हैं सारा हम लोग डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, आर कॉन्स्टेंट अभी, अभी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको आर क्रॉस व्हाट इज पी क्लस मिलीनियर मोमेंटम, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी, बाद में ठीक करते रहेंगे इसको हम, ओके आर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के अंदर डाल सकते हैं इसको, वैसे बाहर में निकाल सकते हैं, इसके अंदर लेके जाओ कितना होगा टॉर्क इज इक्वल टू कितना डी बाई डी टी कितना भाई आर क्रॉस पी, सही है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी क्या होता है एल ई होता है, वही घूम फिर के वही आंसर आ रहे हैं सारे, तो कितना हुआ टॉर्क की वैल्यू डी वाई डी टी और ये क्या हो गया एल, अगर आपको याद हो ना फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स की डेफिनेशन ये थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था, इट स्टेट दैट द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स वी, यानी फोर्स की क्या थी एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, टॉर्क क्या है डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क वी, ऐसा लग रहा है कि सेम से आंसर आ रहे हैं, वहाँ पे सर पी तो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है टॉर्क है, यानी टॉर्क वही काम कर रहा है रोटेशनल मोशन में जो फोर्स कर रहा था सिंपल सिस्टम में भी, यस और नो? तो एक वर्ड आता है बार बार यहाँ पे कि टॉर्क इज एनालॉगी ऑफ फोर्स भी,